एक ट्रोल याद होगा सबको, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर हाँ सकती जी है, हाँ जी, वो स्त्री है कुछ भी कर वो सकती कुछ है। भी कर सकती है ना, बहुत ट्रोल हुआ था एक्चुअली इस बात पर। सच्चाई भी है ये। तो हाँ वो सच्चाई है, वो सच्चाई में दिखाना चाहती हूँ। तो मैंने इस ट्रोल पर एक कटाक्ष किया है, वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो जन सकती है। जनना मीन्स जनरेट करना है ना, जन्म देना। तो वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो जन सकती है। मनु जैसे आरंभ को, अश्वत्थामा से अंत को, रावण जैसे वंश को और अत्याचारमय कंस को, मर्यादा के नाम को, पुरुषोत्तम श्री राम को, बांसुरी की तान को और योगेश्वर भगवान को। वाह बहुत अच्छा, वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो जन सकती है। गुरु गोविंद सिंह से मान को, शिवा से सम्मान को, विक्रम जैसी शान को और स्वामी से स्वाभिमान को, वाह हल्दी घाटी संग्राम को, महाराणा की आन को, उदय सिंह के प्राण को और चंदन से बलिदान को। वाह, वो स्त्री है वो कुछ भी कर कुछ भी कर सकती है सकती है। क्योंकि वो जन सकती है। सरदार से लोहांग को, अटल से काव्यांग को, सरदार से लोहांग को, अटल से काव्यांग को, आजाद चंद्र खुदीराम को, तिलक बोस कलाम को, वाह भक्त तुलसीदास को, नरसी जैसी आस को, भक्त तुलसीदास को, नरसी जैसी आस को, खुसरो कालीदास को, रहीम और रैदास को, वाह कबीरा जैसे ज्ञान को, कबीरा जैसे ज्ञान को, सूरदास से भानु को, बिहारी भूषण बाण को, मलिक और रसखान को। वो वाह, स्त्री है वो कुछ भी कुछ भी कर कर सकती सकती है। बहुत अच्छा, क्योंकि वो जन सकती है। 14 वर्ष वनवास को, 14 वर्ष वनवास को, लक्ष्मण जैसे भ्रात को, भरत जैसी आस को और अवध के विश्वास को, सेतु के आधार को, सेतु के आधार को, वनचरों की कतार को, राम के प्रतिकार को और रावण के संहार को। वो स्त्री है वो कुछ भी कर बहुत अच्छा सकती भाई, है। बहुत अच्छा लिखा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।